मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 31 जनवरी 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी कि इंजील मुकदस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 21वें बाब की 28वीं आयत पर गौर करेंगे। इसमें यूँ लिखा है, तुम क्या समझते हो? एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज ताकिस्तान में काम कर। आमीन। जिस तरह मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को तमसीलों में तालीम देते थे, उसी तरह बाज़ुकात अपने मुखालफों को तमसीलों से कायल करते थे। तमसीलें इंसान को शऊर बख्शती हैं कि वो अपने आप को देख सकता है, जांच सकता है, परख सकता है और अपने आप की इस्लाह करके बेहतर बना सकता है। मसीह खुदावन के पहले अल्फाज से ही जाहिर होता है कि यीशु मसीह का यहाँ यही मकसद था। उसने फरमाया कि तुम क्या समझते हो? अब ये जो तमसील आने वाले दिनों में भी हम सीखेंगे, ये दो किस्म के अफराद को पेश करती है। बाज जो दावा करते हैं और फिर अपने दावे से बेहतर साबित होते हैं, और बाज दावे तो बढ़ चढ़ कर करते हैं मगर वैसे साबित नहीं होते। अब यहां पर दोनों आदमियों का बाप एक ही था। बाज रहमते, उसकी अनायात सबको यकसां एक जैसी मिलती हैं, और बाप की तरफ से कुछ फराइज हैं जो सब पर लागू होते हैं और बराबर लागू होते हैं, मगर इंसानों के किरदारों में बहुत फर्क होता है। अब दोनों को एक ही हुक्म मिला था कि बेटा जा आज ताकिस्तान में काम कर। खुदा अपने बच्चों को काम पर लगाता है हालांकि वो सब वारिस हैं। दीन का काम जो हमें करने को कहा जाता है ताकिस्तान का काम है। ये मोतबिर, मुनाफा बख्श, खुशगवार और पसंदीदा, लेकिन आदम के गुनाह के सबब से हमें निकाल दिया गया था कि शामलात पर काम करें और खेत की सब्जियां खाएं। लेकिन अपने मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के फजल की बदौलत हमें फिर से बुलाया जाता है कि हम दोबारा ताकिस्तान में काम करें। याद रखिए कि ताकिस्तान में जाकर काम करने की अंजीली पुकार ये फौरी तामील का मुतालबा करती है कि बेटा जा आज ही काम कर। हमें दुनिया में बेकार रहने को नहीं भेजा गया बल्कि खुदा का काम करने के लिए, उसकी फरमाबरदारी करने के लिए। और फिर ये ताकीद हमसे बेटों की तरह, जैसे बेटों से कलाम किया जाता है कि बेटा जा काम कर, ये बाप का हुक्म है जिसमें बाप का इख्तियार और बाप की मोहब्बत दोनों शामिल हैं। और बाप अपने खिदमत गुजार बेटों पर रहम करता है। इसलिए भाइयों और बहनों, ज़रूर है कि हम खुदावंद की ताबेदारी करें, खुदावंद का काम करें और उसकी मोहब्बत को और उसके इख्तियार को हमेशा अपनी ज़िंदगियों पर मानते रहें। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तू जो सारी तमजीद, तारीफ, बुजुर्गी, हशमत और जलाल के लायक है। आज की इस नई सुबह के लिए हम शुक्रगुजार हैं और मेरी दुआ है कि जितने भी इस पैगाम को सुनते हैं सबको बरकत दे और अपने हजूर से कसरत की बरकतें, अनायतें, रहमतें और फजाइल जारी कर। जो बीमार हैं मैं उनकी सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ, और जो किसी और मुसीबत, दुख, तकलीफ़ में है उनकी भी मदद फरमा। अपने लोगों के काम में, कारोबार में बरकत दे, और जो अपने रोज़गार के सिलसिले में या अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहरों या दूसरे ममालिक में हैं, ऐ खुदा उन सब के भी साथ हो और कसरत की बरकत अपने लोगों को अता कर। आज का दिन हम तेरी फरमा बरदारी में बसर करने वाले हों, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।